ये है बैरन आइलैंड, देश का अकेला लाइव वोल्केनो इसके ऊपर है। लाइव वोल्केनो वही जो कि एक पहाड़ है और उसके अंदर से धुआं निकलता है, लावा निकलता है ना, वही वोल्केनो होता है, देश में एक ही है। लेकिन दुनिया भर के कई ऐसे देश है जहां पर डजन के भाव से ऐसे वोल्केनोस देखने मिलते हैं, और कुछ कुछ देशों में तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इनफैक्ट एक्टिव भी है, टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन जाते हैं। भारत में क्यों नहीं है, इसी बात का जवाब हम आज ढूंढेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर तरीके की नेचुरल कैलेमिटी देखने मिलती है। अर्थक्वेक्स देखने मिलते हैं, फ्लड्स देखने मिलते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स देखने मिलते हैं, अति वर्षा देखने मिलती है, क्लाउड बर्स्ट देखने मिलते हैं, लेकिन वोल्केनो क्यों नहीं? ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वोल्केनो होता क्या है, भारत की जियोग्राफी के अंदर मैटर कैसे प्ले करती है, और कुछ हमें बहुत टेक्निकल टर्म्स भी समझने पड़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स, इंटरनल अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, जो इन चीजों को क्लेरिफाई करेगी। तो पहले समझ लेते हैं कि अर्थ पे वोल्केनो आते कहां से है। अब वोल्केनो को एक सिंपल भाषा में कह सकते हो कि ये बेसिकली अर्थ की अंदरूनी भावनाएं हैं जो बाहर की तरफ उभर रही है। अब इसका मतलब क्या है? आपने स्कूल में पढ़ाई होगा कि अर्थ जो है वो पूरा का पूरा ऐसे सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि अलग अलग लेयर्स से बना है। ऊपर क्रस्ट होता है जो कि सॉलिड मिट्टी चट्टान होती है, उसके नीचे ऊपर मोस्ट मेंटल होता है, उसके नीचे हमें मोल्टन एस्थेनोस्फीयर देखने मिलता है। ऐसे कई सारे लेयर्स होते हैं जो नीचे जाके सॉलिड कोर तक पहुंचते हैं, जो हमारे अर्थ का सेंटर है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारे क्रस्ट से नीचे जाना शुरू करें तो एक लिमिट के बाद में हमें सॉलिड जमीन देखने नहीं मिलती, बल्कि लिक्विडी सेमी सॉलिड टाइप का एक फ्लूइड देखने मिलता है, जो पिघला हुआ सब कुछ समान है, मिनरल्स, चट्टान, मिट्टी, ये सब पिघला हुआ जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे क्रस्ट के नीचे, और ये कई सारे गैसेस बनाता है और ये कंटिन्यूस मोशन में रहता है। ये ऐसा नहीं है कि स्थिर लिक्विड है, बेसिकली अर्थ के रोटेशन की वजह से लिक्विड भी हिलता है, जैसे किसी वॉशिंग मशीन के अंदर हिलता है। और इसके वजह से कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर ये जो लिक्विड मटेरियल है और गैसेस है ये बाहर आने की कोशिश कर रही है, और बाहर आने के चक्कर में ये प्रेशर डेवलप कर रही है। और जब भी इन गैसेस को, इस मोल्टन मेंटल को जगह मिलती है, कोई क्रैक मिलता है, कोई वीक स्पॉट मिलता है बाहर आने के लिए, और प्रेशर इतना होता है कि उसके वो बाहर आ पाए, तब जिस स्पॉट से वो बाहर आती है उनको कहते हैं वोल्केनोस। तो बेसिकली वोल्केनोस वो जगह होती है जहां से अर्थ का जो ये अपर मोस्ट मेंटल या एस्थेनोस्फीयर तक का लेयर है उसमें का मटीरियल बाहर आने की कोशिश करने लगता है। कभी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है और वो प्रेशर जो है किसी कुकर की तरह रिलीज होता है जब वोल्केनो इरप्शन होता है। अब मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में ईजी हो, लेकिन ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इतना समझ लो, वीडियो के लिए काफी है। अब ये समझने की वजह से आपको ये पता चला होगा कि कहीं पर तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से ये इजीली बाहर आ सके मेंटल वगैरह, और वहां पे वोल्केनो बनेगा। भारत बेसिकली आने नहीं देता है। अब ये क्यों आने नहीं देता है या क्या ऐसी कंडीशंस हुई जिसकी वजह से आ नहीं पाते, वो समझते हैं। अब ये जो मैं कह रहा था ना, फ्लोट हो रहा है पूरा जमीन, ये एक सिंगल एक्सेल की तरह फ्लोट नहीं होता है हमारे मेंटल पे, ये बेसिकली कई सारे अलग अलग पीसेस में हो रहा है, उनके बीच में क्रैक्स है, और जो पीसेस होते हैं शेल के या प्लेट्स होते हैं उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इंडिपेंडेंटली ये जो नीचे का घूम रहा लिक्विड है उसके ऊपर चलती है, और ऐसी ही हमारी एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट भी है जो पहले ऑस्ट्रेलिया के पास में हुआ करती थी, और इस प्लेट्स के मोशन की वजह से धीरे धीरे फ्लोट होते होते ये हजारों सालों का सफर तय करते हुए आकर टकरा गई एशिया से जब बने हिमालयस। और क्योंकि ये टकराई तब पूरी की पूरी प्लेट थोड़ी ऊपर उठ गई। हिमालयस आप जानते हो कि बहुत ऊंचे पहाड़ है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, और कंटिन्यूसली इनका साइज बढ़ भी रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम से भारतीय प्लेट आके एशिया में टकराई थी वो मोमेंटम आज तक खत्म नहीं हुआ है, होगा भी नहीं क्योंकि अंदर मोशन चल रहा है, और इसकी वजह से कंटिन्यूसली ये प्लेट ऊपर ऊपर जाती रहती है, और ऊपर जाने की वजह से जो थिकनेस है इस प्लेट की ये कंपैरेटिवली ज्यादा है दुनिया भर के कई सारे प्लेट से। और क्योंकि इतनी ज्यादा थिकनेस है तो जो अंदर वोल्केनो है उसको बाहर आने में दिक्कत होती है। तो ये बन गया रीजन नंबर वन कि इंडिया का जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाली प्लेट है वो इतनी थिक है, या कह सकते हो भारत की चमड़ी इतनी मोटी है कि वो वोल्केनोस के अंदर का मटेरियल बाहर आने के लिए जगह दे नहीं पाती, वीक स्पॉट्स दे ही नहीं पाती। लेकिन एक और रीजन है जो वोल्केनोस के कम होने के पीछे जिम्मेदार है, और वो है कोई टेक्टोनिक क्रैक्स का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होना ही नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि ये शेल जो है, जो ये फ्लोटिंग सरफेस है, वो अलग अलग टुकड़ों में है, तो जहां पे ये टुकड़े मिलते हैं वहां पे होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच वाली जगह, जिनको वीक स्पॉट्स कह सकते हैं इस मेंटल को बाहर आने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दो प्लेट जुड़ रही है तो उसके बीच में कोई परमानेंट सील नहीं है, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह पे तो आप इनको देख भी सकते हो ओशन के अंदर, जहां पे एग्जैक्टली प्लेट्स मिलती है वहां पे, और इन जगह को ही सबसे वीक स्पॉट्स माना जाता है जहां से हमारे धरती के अंदर की जो गैसेस है, जो लावा वगैरह है, वो बाहर आ सके। क्योंकि
ऑब्वियसली यहाँ पे सरफेस का थिकनेस हो गया, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये सब कुछ कम होता है। और इसलिए रिंग ऑफ फायर्स जैसी चीजें भी है दुनिया भर के अंदर, जहाँ पर आपको लाइन में वोल्केनोस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये वही लाइन्स है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जुड़ती है। और भारत क्योंकि एक पूरा का पूरा एज अ होल सब कॉन्टिनेंट है, पूरी खुद ही एक प्लेट है, तो उसके अंदर प्लेट के बीच की क्रैक्स ही नहीं है या जॉइंट्स ही नहीं है, और इसका जैसे भारत में वोल्केनोस देखने नहीं मिलते। अंडमान के ऊपर जो बैरन आइलैंड वाला वोल्केनो है वो आप कह सकते हो रेयर है, बहुत कम स्पॉट्स ऐसे थे जहाँ पे से ये आ सकते थे बाहर, और बैरन आइलैंड में वो बाहर आ गए। आइलैंड्स में जनरली ये पॉसिबल होते कि आइलैंड्स उठते ही वैसे है, लेकिन बाकी भारत देश के अंदर इसका होना ना सिर्फ आज के डेट में मुश्किल लेकिन फ्यूचर में भी होना मुश्किल है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टॉप। इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।